नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। इस समय एसएचओ देवीलाल जी पुराने बस स्टैंड पर मौजूद हैं अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि पूरी तस्वीरें दिखाएं। व्यक्ति बगैर मास्क के घूम रहे हैं, उन लोगों का चालान काटा जा रहा है और पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मास्क पहनिए, जैसे ही कोरोना वायरस आजकल चला हुआ है, इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप मास्क पहनें और हाथों को साफ करते रहें। दिखाएं, एसएचओ देवीलाल जी पुराने बस स्टैंड पर मौजूद, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप एसएचओ देवीलाल जी मौजूद। इन सर कितने रुपए की पर्ची कटी आपकी? 500 की। तो मास्क कितने रुपए का आता है? 10 रुपये। सुनो तो सही, 10 रुपये का मास्क आता है। 10 रुपये का मास्क नहीं खरीद सकते। 500 रुपये की पर्ची कटवाना स्वीकार है, लेकिन 10 रुपये का हम मास्क नहीं खरीद सकते। ये देखिए, एक मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति हैं और मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। वर्कर तो हैं, मास्क लगाएं तो इनका अपना फायदा है। पूरी तरह से मुस्तैद लाल जी, सविदो सिटी थाना, पूरी तरह से मुस्तैद। आइए जानते हैं सचो देवीलाल जी से। जय जनाब सर, ये किस टाइप चालान काटे जा रहे हैं सर? लैंड ऑर्डर की व्यवस्था जी, विदाउट नंबर मोटरसाइकिल जी जी, और विदाउट मास्क लोग जी जो अवहेलना कर रहे हैं जी, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। तो अब तक सर लगभग कितने लोगों के चालान काटे सर? अभी गिनती नहीं है, बुक देख के बताया जा सकता है जी। सटीक एक्शन जारी जी जी। तो अभी आपने सुना एसएचओ देवीलाल सिटी, इनका कहना है कि लाइन कंट्रोल करने के लिए सब काम किया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनके चालान काटे जा रहे हैं, जो बगैर कागजों के यहाँ पे घूम रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, जो हेलमेट नहीं पहन रहे उन लोगों के चालान काटे जा रहे हैं।